आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट रूट प्लस विदाउट पीसी। एंड टॉप थ्री मेथड्स मैं आप लोग साथ शेयर करूँगा जो कि 100% वर्क करेंगे किसी भी मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज को इंक्रीज करने में अप टू 100 GB एंड इससे भी प्लस आप लोगों ने कैसे अपने मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज को इंक्रीज करना। सो इस वीडियो को लाइक करना है नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है नहीं करना, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, बिकॉज मैंने शेयर ज़रूर चेक करने के कितने लोगों ने कहाँ कहाँ किस वेबसाइट में इस वीडियो को शेयर किया है। एंड इस वीडियो में बहुत मेहनत हुई है, सो होपफुली आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नंबर वन में दोस्तों मैं आप लोग साथ शेयर करूंगा एक ऐसा मेथड जिसमें आप मेमोरी कार्ड को यूज़ करके अपने मोबाइल की इंटरनल मेमोरी को ट्रेमेंडसली इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट ये मेथड 20% डिवाइसेस पे वर्क नहीं करता, बट 80% डिवाइसेस पे वर्क करता है। अगर आपके पास सेम ऑप्शंस गिवन है सो इट मींस कि ये मेथड आपके लिए है। सो आप लोगों ने इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं आप लोग को अपने मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज दिखाता हूँ। सेटिंग्स में जाएंगे एंड सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर स्टोरेज पर क्लिक करेंगे एंड स्टोरेज पे क्लिक करेंगे यहाँ से। एंड स्टोरेज पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल की जो इंटरनल स्टोरेज है वो अभी 16 GB है, जिसमें से 11.5 GB यूज्ड में है। सो टोटल स्टोरेज मेरे पास 16 GB यहाँ पे गिवन है। एंड मैं ऑलरेडी SD कार्ड इंसर्ट कर चुका हूँ, जबकि 32 GB का जो SD कार्ड है वो मेरे मोबाइल में इंसर्टेड है। इसके बाद आप लोगों ने फाइल्स में जाना है, फाइल्स मैनेजर में जाना है। एंड फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने SD कार्ड पर क्लिक करना है। एंड SD कार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ तीन डॉट्स पे क्लिक करना है एंड सेटिंग्स स्टोरेज सेटिंग्स की तरफ मूव कर जाना है। सो स्टोरेज सेटिंग में जाना है एंड स्टोरेज सेटिंग में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे जो SD कार्ड है उसकी इंटर जो मेमोरी है वो 32 GB है। एंड यहाँ पर आप लोगों ने फॉर्मेट एज इंटरनल पे क्लिक करना है एंड इसके बाद आप लोगों ने इरेज एंड फॉर्मेट पे क्लिक करना है। इरेज एंड फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है। अगर आपके पास ये ऑप्शंस गिवन है सो इट मींस कि ये मेथड आपके लिए है, बट अगर आपके पास ये ऑप्शंस गिवन नहीं है सो इट मींस कि ये मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते। सो यहाँ पर आप लोगों के पास इसका रखकर एक ऑप्शन आएगा, आप लोगों ने इसे ओके कर देना है। एंड ओके करने के बाद यहाँ पर आप लोग से ये मांगा जा रहा है कि आपके SD कार्ड में जितना भी डाटा है क्या वो आप न्यू स्टोरेज में जो मूव करना चाहते हैं। बट अगर आप करना चाहते हैं तो मूव नाउ पे क्लिक कर दें, बट मैं इसको मूव लेटर कर देता हूँ। सो मैं मूव नहीं करना चाहता एंड यहाँ पर मूव लेटर पे क्लिक करूँगा ताकि जल्दी से ये वीडियो बन जाए। सो यहाँ पर इसे नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे डन पे क्लिक करते हैं एंड दैट्स इट। हमारे पास जो SD कार्ड है उसको हम लोगों ने एज ए इंटरनल मेमोरी यूज़ कर लिया है एंड दैट्स इट। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास जो SD कार्ड का जो ऑप्शन था, जो आइकन था, वो भी यहाँ पर डिसअपियर हो गया है। सो इसके बाद यहाँ पर मैं आप लोग को जो मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज अभी दिखा देता हूँ। सो सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर स्टोरेज पे क्लिक करेंगे एंड स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकेंगे कि मेरे जो मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज है वो 48 GB हो गई है। सो इट मींस कि मेरे मोबाइल की जो इंटरनल स्टोरेज है वो 16 GB से इंक्रीज़ करके 48 GB में कन्वर्ट हो गई है। सो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप जितने कुछ एप्लीकेशंस होती है जो कि आपकी इंटरनल मेमोरी को रिक्वायर्ड करती है सो उन सारी एप्लीकेशंस को आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं एंड इसके अलावा आपका मोबाइल फास्टली इससे मूव करेगा। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मेथड है, बट ये 20% डिवाइसेस पे वर्क नहीं करता एंड 80% डिवाइसेस पे वर्क करता है। इसके बाद मैं आप लोग के साथ जो नेक्स्ट मेथड शेयर करने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसमें आप मोर देन 100 GB स्पेस अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं एंड विदाउट रूट, विदाउट यूजिंग SD कार्ड एंड विदाउट PC। सो आप लोगों ने इसके लिए क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर प्ले स्टोर में जाना है एंड प्ले स्टोर में जाने के बाद एक एप्लीकेशन को आप लोगों ने डाउनलोड करना है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो। सो आप लोगों ने यहाँ पे प्ले स्टोर में जाना है एंड प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है डिगो। डिगो एक एप्लीकेशन है जो कि आपको 100 GB फ्री स्पेस क्लाउड स्टोरेज आप लोग को प्रोवाइड करता है। सो आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है एंड मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ ताकि आप लोग का वक्त ज़ाया ना हो। सो मैं ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर चुका हूँ एंड इस एप्लीकेशन के मोर देन 10 मिलियन यूज़र्स हैं एंड इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। सो ये बहुत ही ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप लोगों ने साइन अप करना है। साइन अप आप लोग थ्रू ईमेल भी कर सकते हैं एंड यूजिंग गूगल आईडी भी कर सकते हैं। आप लोगों ने सिंपली साइन इन करना है एंड साइन इन करने के बाद यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शंस होंगी, जिसमें आपके पास यहाँ पर होगा फोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स एंड म्यूज़िक।
सो ये बेसिकली आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है कि आप किन चीज़ों को आप क्लाउड स्टोरेज में सेव करना चाहते हैं। सो ये एप्लीकेशन की इस एप्लीकेशन के मोर देन 10 मिलियन यूज़र्स हैं। सो ये बहुत ही ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली कि आप अपने मोबाइल की जो फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लगता है कि ये किसी और स्पेस पे आप स्टोर कर सकते हैं, सो आप इस डिगो क्लाउड स्टोरेज में से सेव करेंगे। सो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल से वो उसको डिलीट कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड 100 GB आपको फ्री स्पेस अलाउ होता है। जैसे आपको कोई भी आपसे स्टोरेज मतलब कोई भी आपसे मतलब इसके लिहाज से चार्जेस नहीं मांगे जाते, आप अपने मुताबिक एप्लीकेशंस या फाइल्स को इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो फाइल्स आप इस यहाँ पे जो एप्लीकेशंस अपना डाटा यहाँ पे अपलोड करेंगे वो ऑटोमेटिकली आप ही एक्सेस कर पाएंगे उसे। इसके अलावा आपसे अलावा इसे कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा बिकॉज ये प्राइवेट स्टोरेज है, आपके अलावा वो किसी के साथ भी शेयर नहीं होगी। सो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने मोबाइल की मेमोरी को रिलीज़ करने के लिए। एंड इसमें आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकते हैं जिसमें आपको 10 TB स्टोरेज मिलती है, जो कि मतलब 10,000 GB तक स्टोरेज आप इसमें बाय भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप अपने मुताबिक एप्लीकेशंस फाइल्स को स्टोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और मज़े का ऑप्शन है कि अगर आप अपने मोबाइल को रीसेट करते हैं या डिलीट कर देते हैं अपने मोबाइल से किसी भी फाइल्स को, सो ऑटोमेटिकली यहाँ से आप उनको बैकअप कर सकते हैं, उन एप्लीकेशंस को, फाइल्स को, फ़ोटोज़ को, डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ से बैकअप कर सकते हैं। सो इसके अलावा यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मूवमेंट का ऑप्शन है एंड यहाँ पर ऑप्टिमाइजिंग स्टोरेज का मैं आप लोग के साथ बाद में शेयर करूँगा। एंड यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि क्या चीज़ आप अपलोड करना चाहते हैं सर्वर पे, क्या नहीं अपलोड करना चाहते। एंड यहाँ पे माई फाइल्स पे अगर क्लिक करते हैं सो यहाँ पर आपके पास डिवाइसेस का ऑप्शन है। डिवाइसेस का ऑप्शन बहुत ही मज़े का है कि आप जितने भी डिवाइसेस में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, सेम आईडी लॉग इन करेंगे, आप उस डिवाइस में इन सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं एंड उस डिवाइस की फ़ोटोज़ को भी इसमें अपलोड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़ एंड काफ़ी सारे जो ऑप्शंस हैं जो कि आपको ये बताता है कि कौन कौन सा जो आपकी फाइल्स, फ़ोटोज़, म्यूज़िक एंड जो आपकी जो चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों ने आपने अपलोड की भी हैं। सो आप इसको अपने मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद डिलीटेड फाइल्स का भी ऑप्शन है कि आप जिन फ़ोटोज़ वीडियोज़ को आप लोगों ने डिलीट कर दिया है सो यहाँ से आप ऑटोमेटिकली उसे एक्सेस कर सकते हैं। सो इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है ऑप्टिमाइजिंग स्टोरेज, ऑप्टिमाइजिंग स्टोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पर आप लोग को ये बताया जाता है कि आपके मोबाइल में जितनी भी फ़ोटोज़ हैं उनके साइज़ को श्रिंक कर देता है, स्मॉल कर देता है, ताकि मतलब 500 MB के को 16 MB या 10 MB में कन्वर्ट कर देता है। एंड फाइल जो एप्लीकेशन सॉरी जो आपकी फ़ोटोज़ हैं उनकी क्वालिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बट उनको श्रिंक कर देता है कि अपलोडिंग में आसानी हो एंड आपके अपने पास सेव कर लेता है। सो उससे आपके मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज भी रिलीज़ हो जाती है एंड उसके पास अपलोड भी जल्दी हो जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर एक और ऑप्शन है, आप लोग सेटिंग्स में आएंगे, सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा लॉक ऐप विद पिन कोड। आप लोग ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन पे पिन कोड आप लोग लगा सकते हैं ताकि आप खुद इस एप्लीकेशन को एक्सेस करें, आपके अलावा कोई भी इस एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पाए। सो आप लोगों ने इसमें एक बिल्ट इन लॉक का ऑप्शन है, आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस, ऑप्टिमाइजिंग फ़ोटोज़ का ऑप्शन है। सो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि आपको एक प्राइवेट स्टोरेज अलाउ करता है, जिससे आप अपने मोबाइल की वो एप्लीकेशंस और फाइल्स और फ़ोटोज़ जो आप लोग यूज़ नहीं करते, रेयरली यूज़ करते हैं, उनको आप इसमें अपलोड करें ताकि जब आपको रिक्वायर्ड हो तो आप डाउनलोड करें, अदरवाइज़ यहाँ पर अपलोड हो एंड आपके मोबाइल की जो इंटरनल स्टोरेज है वो रिलीज़ हो जाएगी। एंड मोर देन 100 GB आप लोग को फ्री अलाउ होता है यहाँ पर स्पेस। इसके बाद आप लोग को मैं जो थर्ड मेथड यूज़ करने वाला हूँ वो है ऑप्टिमाइजिंग फाइल्स के नाम से एक ऑप्शन, जो ऑप्शन है मेरे पास, जो मेथड है मैं आप लोग से शेयर करूँगा, जिसमें हम फाइल्स की साइज़ को श्रिंक करेंगे अपने मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज को रिलीज़ करने के लिए। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसमें भी आप लोग को मेमोरी कार्ड कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ये हर डिवाइस पर वर्क करेगा, 100% वर्क करेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली प्ले स्टोर में जाना है एंड प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने एक एप्लीकेशन को सर्च करना है फोटो कंप्रेसर। सो फोटो कंप्रेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन, एक एप्लीकेशन होगी फोटो कंप्रेस एंड रीसाइज लाइट फोटो जो डेवलपर्स हैं उन्होंने अपलोड किए इस एप्लीकेशन को। सो आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ जैसे इसे ओपन करेंगे यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन होंगी, कंप्रेस फोटोज़, रिसाइज फोटोज़ एंड क्रॉप फोटोज़। इसके बाद आपके पास यहाँ पर रिजल्ट फोल्डर है जहाँ पर आपके पास रिजल्ट सेव होगा।
सो आप लोग के लिए एज ए डेमो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि आप लोग इसमें कितना डाटा, कितना इंटरनल मेमोरी आप अपने मोबाइल की रिलीज़ कर सकते हैं, वह मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। सो इंटरनल मेमोरी में जाएंगे, यहाँ पर फाइल्स पे क्लिक करेंगे एंड फाइल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक फोल्डर मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ जिसको मैं सेलेक्ट करके आपको इसका साइज़ दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर डिटेल्स में जाएंगे एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये 538.7 MB टोटल इन फोटोज़ का साइज़ है, 538 MB अभी साइज़ है इनका एंड 97 इमेजेस इस फोल्डर में अभी ऑलरेडी गिवन है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हर जो फोटो है उसका साइज़ 7 MB, 4 MB, 5 MB इसके राउंड अबाउट है। सो यहाँ पर आप लोगों ने सारी फाइल्स, जिन एप्लीकेशंस को आप, जिन फ़ोटोज़ को आप श्रिंक करना चाहते हैं उसके साइज़ को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने शेयर पे क्लिक करना है एंड शेयर करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो लाइट फ़ोटो का एप्लीकेशन है आप लोगों ने उस पर इसे शेयर कर देना है। लाइट फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, यहाँ से सिंपली लाइट फ़ोटो पे क्लिक करना है एंड लाइट फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, आप लोगों ने कॉम्प्रेस फ़ोटोज़ पे क्लिक करना है एंड कॉम्प्रेस फ़ोटोज़ एंड रिसाइज फ़ोटोज़, आप लोगों ने कॉम्प्रेस फ़ोटोज़ करना है एंड यहाँ पर आप लोगों ने किसी चीज़ को भी आप लोगों ने अपने मुताबिक इसमें चेंजेस कर सकते हैं, बट मैं आप लोग को कहूँगा कि चेंजेस ना करें एंड सिंपली आप कॉम्प्रेस फ़ोटोज़ पर क्लिक करेंगे आपके पास कॉम्प्रेसिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी एंड विद इन सेकेंड्स आपके पास जितनी भी कंप्रेसिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी एंड यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि तकरीबन 90% आपके पास स्टोरेज रिलीज़ हो जाएगी। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बिफोर मेरे पास 513 MB इन सारी फ़ोटोज़ का साइज़ था, जो कि आफ्टर 15 MB मेरे पास कन्वर्ट हो गया, मतलब 513 MB से 15 MB में कन्वर्ट हो गया, जो कि मतलब राउंड अबाउट 500 MB स्पेस मेरे पास यहाँ पर रिलीज़ हो गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 6.4 MB से 107 KB पर एप्लीकेशन को जो फोटोज़ है उन पर कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद अगर यहाँ पे आप रिज़ल्ट फोल्डर में जाएं तो यहाँ पर आपके पास जितनी भी आप लोगों ने फ़ोटोज़ को श्रिंक किया था उसके साइज़ को और आप लोग चेकआउट कर सकते हैं एंड यहाँ पर अगर उसकी क्वालिटी को देखें तो क्वालिटी भी कुछ ख़ास इसमें ख़राब नहीं हुई, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट क्वालिटी यहाँ पे गिवन है, बट उसके साइज़ को बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर दिया गया है ताकि आपके मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज पे कोई फ़र्क ना पड़े, आपके मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज रिलीज़ हो। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंड यहाँ पर सारी की सारी जो फ़ोटोज़ हैं उनका रिज़ल्ट यहाँ पे गिवन होगा। इसके बाद अगर आप इसको अपने मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में एक्सेस करना चाहते हैं तो फाइल्स पे क्लिक करना है एंड देन इंटरनल स्टोरेज पे, इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास लाइट फ़ोटो के नाम से फोल्डर होगा, आप लोग यहाँ पर जो रिज़ल्ट फ़ोटोज़ हैं जिसको आप लोगों ने श्रिंक किया था, उसके साइज़ को चेंज किया था, वो सारे यहाँ पर गिवन है। सो होपफुली आप लोग को ये तीन ही मेथड पसंद आए होंगे, ये तीन मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुका हूँ इस वीडियो में। सो इस वीडियो को लाइक करना है नहीं करना इट डिपेंड्स ऑन यू, बट इस वीडियो को शेयर बहुत ज़्यादा करना बिकॉज इस पर बहुत मेहनत हुई है। सो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड मैं चेकआउट करूँगा कि कितने सोशल वेबसाइट्स पर इन वीडियो को किसने शेयर किया है। सो होपफुली आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर।